आज जब मेडल जीता है तो किस चीज की सबसे ज्यादा याद आ रही है, स्ट्रगल की या किस चीज की याद आ रही है आज? एक तो मेरा पापा का, दूसरा मेरा कोच का, मतलब जो अभी कोच है विजय शर्मा, जो मुझे समझाता है, मुझे जो मारता है गाली, जो मतलब समझाता है, डांटता रहता है उसका। अचिंता, गोल्ड मेडल कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी है सर। मेरा जो लाइफ में जो सबसे मेजर इवेंट था, मैं बहुत मेहनत किया था इसके लिए, तो मुझे बहुत चीज़ मिला है। और मैं सभी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, टॉप साई को, जो मेरा स्पॉन्सर है उनको, मेरा कोच साहब को, मेरा भैया को, सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मेरा जो जहाँ से भी जॉब करता हूँ उन्हें भी बहुत सपोर्ट मिला है, मुझे सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। वेट लिफ्टिंग जो होता है वो काफ़ी कठिनाइयों का स्पोर्ट होता है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी के बारे में बताएंगे, आपके जर्नी में क्या डिफ़िकल्टीज आए? काफ़ी यंग है आप, तो क्या छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे थोड़ा सा? मैं 2011 में ज्वाइन किया था, तो उस टाइम बहुत मज़ा लगता था ज्वाइन करने के बाद सर, बहुत मज़े से किया 2013 तक। 13 के बाद मेरा जब पापा एक्सपायर हुआ तो मुझे कहीं से भी सपोर्ट नहीं था, तो बस भैया ने गेम छोड़ा मेरे वजह से, क्योंकि मैं अच्छे कर सकूँ, और उन्हें समझाया कि गेम से भी करियर बन सकता है, तो उन्होंने मुझे समझाया। फिर मैंने अच्छे से ट्रेनिंग करना शुरू किया, तब मैंने मुझे मतलब काम किया, ट्रेनिंग किया, काम किया, ट्रेनिंग किया। 2015 में मेरा नेशनल मेडल आया ब्रॉन्ज, तो तब से मैंने कैंप ज्वाइन किया था, तो फिर मुझे बहुत सपोर्ट मिला कुछ सब लोग का, तो मैंने परफॉर्मेंस धीरे धीरे इम्प्रूव करते गया, मेरा कैटेगरी चेंज करते गया, तो अभी तक इधर तक मैंने पहुँचा है धीरे धीरे। और ये जो डिफ़िकल्ट पार्ट था उससे क्या चीज़ें सीखी है जो अब तक काम में आ रही है? मतलब सर अभी जो मतलब मेरे साथ भी कुछ भी गलत होगा ना, उससे डिफिकल्ट तो ऐसे नहीं लगता है कि हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि जब मेरा पापा एक्सपायर हो गया था तब भी गया था एकदम से, ना मम्मी को कुछ करना आता, ना भैया को कुछ करना आता, तो कैसे और ना मुझे कुछ आता है, तो सभी मिल के एक साथ हुआ था, तो बहुत काम किया था मैंने मतलब। और ट्रेनिंग तो हफ्ते में बहुत मुश्किल से करते थे, सोना बस शेड्यूल था कि सो उठो काम करो ट्रेनिंग जाओ, ऐसा ही था। तभी क्या काम किया ये करने के लिए? बंगाली में तो जोड़ी काज बोलता है, मतलब एम्ब्रॉयडरी टाइप का होता है। एम्ब्रॉयडरी कपड़े के ऊपर हम लोग हाथ से बनाते थे, फ्लावर के ऊपर कुछ डिजाइन बनाते थे। तो आप कितना घंटे काम करते थे दिन में? सर मैं सुबह 6:30 को उठता था, तो उठ के चाय पी के 7 बजे तक मैं काम में बैठता था, 9:30 को मैं ट्रेनिंग के लिए थोड़ा बहुत जाता था, तो 10:15 तक आके फिर 10:30 से स्कूल चला जाता था। पापा के गुजरने के बाद? हाँ जी सर, तो फिर स्कूल से आके वापस ट्रेनिंग, फिर ट्रेनिंग से आके 8 बजे आता था। कितना उम्र था तभी आपको? सर 12-13। और भैया और फिर माँ क्या करती थी वो टाइम? मम्मी भी सेम काम करता था, भैया भी सेम काम करता था। ओके, पर अभी नहीं करते ना? अभी अच्छा, वेट लिफ्टिंग में कैसे गए? नहीं सर, मैं एक्चुअली पतंग उड़ाता बहुत शौकीन था, मतलब मैं पतंग उड़ाता था, घूमता रहता था, इधर उधर भागता रहता था, तो एक दिन पतंग पकड़ते पकड़ते उधर चला गया जहाँ पे मतलब गेम खेलता था मेरा भाई लोग, तो मैंने देखा वही लिफ्टिंग। अच्छा, भैया भी करता था, तो उधर देखा कि इन लोग क्या कर रहा, तो अगले दिन से कुछ ने बोला था जो मेरा पीछे भी लेके आया ऐसे बोल के, तो फिर मैंने ज्वाइन किया उधर ही। तो उधर में सभी बच्चा बच्चा था, तो मेरा मन लग गया, दोस्त वोस्त बना, तो उसमें मन। कौन सा एरिया है घर आपका? देवलपुर। कौन पे? पहले तो सर अंदुल आना पड़ता है, फिर अंदुल के पास थुलागढ़ आता है, फिर थुलागढ़ के अंदर जाना पड़ता है। यार अचिंता, आपने आपने कम उम्र में काफ़ी कुछ अचीव किया है, टूर्नामेंट वाइज, मेडल वाइज, ये मेडल आप कैसे उस ऑर्डर में आप कैसे एनालाइज करते हो, कहाँ मायने रखता है ये आप? हाँ सर, ये मेरा सब हर चीज़ में मुझे हेल्प करेगा सर, हर चीज़ में सर, हर जगह में मुझे देगा। आज जब मेडल जीता है तो किस चीज़ की सबसे ज़्यादा याद आ रही है, स्ट्रगल की या किस चीज़ की याद आ रही है आज? एक तो मेरा पापा का, दूसरा मेरा कोच का, मतलब जो अभी कोच है विजय शर्मा, जो मुझे समझाता है, मुझे जो मारता है गाली, जो मतलब समझाता है, डांटता रहता है उसका सबसे। तो डांट अच्छी है मतलब? हाँ जी। और ये आप मेडल के लिए डेडिकेट करना चाहोगे? मैं मेरा भैया को और मेरे को सब लोग डांटते क्यों है कोच? डांटता कोच है ताकि मुझे और आगे जाने के लिए कोशिश कर, पुश करता है, तो मैं धीरे धीरे पुश होके जा रहा हूँ।